है। और सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। होता यह है कि आप लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसको ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो इसमें प्लीज आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको एक ऐसा ही चीज़ बताने वाली हूँ जिसका आप यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत ही निखार आएगा। तो सबसे पहले मैं वो सामग्री बता दूँगी कि आप उसको किस तरह बनाएंगी और उसके बाद मैं फेस पे एक अगले वीडियो में बताऊँगी। तो गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर हम कैसे बनाएंगे जिसका हम फेस पैक में यूज़ करेंगे, आज मैं वही आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ सुखा के रखी हैं, धो के सुखा के रखी हैं। ये देखिए खूब गर्मी है तो इसमें खूब अच्छे से सूख गई है। तो इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी, मिक्सी में डाल दूंगी पहले। और इसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्ती भी है जो हमारे त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मैं इनको पंखुड़ियों को इसमें डाल के पीस दूँगी। और पीसने के बाद इसमें क्या क्या मिला के मैं इनका इस्तेमाल करूँगी वो मैं अगले वीडियो में जब मैं बनाऊँगी अगला वीडियो तब मैं बताऊँगी। ये देखिए मैं इसको पीस लाई, अब मैं इसको खाली करूँगी। ये देखिए इसका महीन पेस्ट तैयार हो गया, मिक्सी में बहुत आसानी से पिस जाता है ये। इसका इस्तेमाल आप फेस पैक में कर सकते हैं। जब भी आपको फेस पैक लगाने का मन करे आप इस गुलाब की पंखुड़ी में जो ये तुलसी जी का भी हमने इसमें पाउडर तुलसी जी को सुखा के मिलाया है, ये आपके त्वचा के चेहरे के दाग धब्बे सब दूर करेगा। आप इसे गर्दन में, माथे पे और हाथ में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे इस्तेमाल करेंगी और इसका लाभ उठाएंगी। तो इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।